हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने सिंगल सीपैनल अकाउंट से मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, यानी कि मल्टीपल डोमेन्स को होस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहां पर देखिए, हमने अपने जो प्लान्स हैं वो अपग्रेड किए हैं। तो सबसे पहले जो यूजर्स हमारे इन प्लान्स को परचेज कर चुके हैं, मैं उनको बता दूँ, उनके अकाउंट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो चुके हैं। वो अपने सी पैनल को ओपन करके देख लें तो उनको चेंजेस दिख जाएंगे। ठीक है, हमने क्या चेंजेस किए हैं यहाँ, हमने देखिए जो हमारा डीलक्स पैक है और अल्टीमेट पैक है, इसमें हमने चेंज किया है। अभी आप डीलक्स पैक के अंदर दो वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और अल्टीमेट पैक के अंदर थ्री वेबसाइट अपनी मैक्सिमम होस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा स्टार्टर में आपका सिंगल ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, देखिए कोशिश आपको करनी चाहिए कि आप कम से कम वेबसाइट एक सिंगल अकाउंट से होस्ट करें। उसकी वजह यह है कि आपको यहाँ पर जो मेमोरी मिल रही है वो लिमिटेड मिल रही है। ठीक है, जितनी कम वेबसाइट होंगी उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस होगी आपकी वेबसाइट की। इसीलिए हमने यहाँ पर, आप देखेंगे, अल्टीमेट के अंदर हमने यहाँ पर अनलिमिटेड नहीं रखा हुआ, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो मेंटेन रहे। तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी कि आप किस तरीके से जो है अपनी वेबसाइट को, मल्टीपल वेबसाइट को मेंटेन कर सकते हो, स्पीड को मेंटेन कर सकते हो। जाहिर सी बात है, फिजिकल मेमोरी डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से सिंगल अकाउंट से मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पर जो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूँ वो मैं अपने डीलक्स पैक में दिखाने जा रहा हूँ। अभी तक जो मैं आपको प्रैक्टिकल्स देता था वो मैं स्टार्टर में देता था, लेकिन आज जो प्रैक्टिकल है वो डीलक्स के अंदर है। ठीक है, तो चलिए, ये है हमारा सीपैनल अकाउंट, आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको अपना डीलक्स पैक जो है वो दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ईमेल 5 है, एक बना हुआ है ऑलरेडी। इसके अलावा यहाँ पर आप हमारी स्टोरेज देख सकते हैं, अप्रॉक्स 200 GB। इसके अलावा बाकी सारी डिटेल्स आप नीचे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि a1india.ml पर ऑलरेडी एक वेबसाइट चल रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं जो एक न्यू अकाउंट ऐड करने वाला हूँ वो दोस्तों मैं एक ऐसा डोमेन ऐड करने जा रहा हूँ जो अभी तक यूज़ में नहीं है। और मुझे क्या होता है कि कुछ क्लाइंट्स को डेमो देने होते हैं, जैसे ओपन कार्ट वगैरह के, उनको अगर डेमो चाहिए होते हैं तो जाहिर सी बात है मुझे अलग अलग डेमो देने पड़ते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स को। तो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि आप यहाँ से देखिए, ये वेबसाइट है freenom.com। ठीक है, यहाँ से आप फ्री में डोमेन्स बाय कर सकते हैं पूरे एक साल के लिए। अगर आपको जैसे डेमो चाहिए, हमारी वेबसाइट से आपको अगर डेमो चाहिए, तो उस पर मैंने अंदर एक URL मांगा है आपसे, तो आप उसके लिए यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, सर्विसेज में जाएंगे और माय डोमेन्स के अंदर जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ मेरा नेम आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ मेरे पास 3 डोमेन है जो मैंने फ्री में रजिस्टर किए हुए हैं, टाइप फ्री आप देख सकते हैं। तो अभी जो मैं डोमेन ऐड करूँगा वो a1quality.ml ऐड करूँगा, ये अभी यूज़ में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, मैनेज डोमेन के अंदर जाना है। यहाँ पर मैनेजमेंट टूल्स है, इसके ऊपर क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर ऑप्शन है नेम सर्वर्स, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले नेम सर्वर ऐड करने हैं। अगर GoDaddy से आपने अपना डोमेन लिया है तो वहाँ पर भी नेम सर्वर होता है, मैनेज डोमेन में जाएंगे तो। ठीक है, और क्लिक करिएगा यूज कस्टम नेम सर्वर और यहाँ पर आप, वहाँ पर भी आप इस तरीके से मैनुअली जो नेम सर्वर है वो ऐड कर सकते हैं। तो हमारा जो नेम सर्वर है वो ये है ns1.a1quality.in, ns2.a1quality.in। ठीक है, तो नेम सर्वर मैं पहले ही ऐड कर चुका हूँ, अभी आप देखेंगे वेबसाइट पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधे यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी किया, सीधे मैं आ गया अपने सीपैनल के अंदर और देखिए यहाँ पर ऑप्शन है डोमेन्स के अंदर एड ऑन डोमेन्स, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं डोमेन ऐड कर दूंगा, ये मैंने डोमेन ऐड कर दिया तो ऑटोमेटिकली सब डोमेन आ गया। आप चाहें तो सब डोमेन चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं एज योर विश, और रूट डायरेक्टरी भी ऑटोमेटिकली आ गई। इसके अलावा अगर आप चाहें तो FTP अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, अगर इस स्पेसिफिक डोमेन के लिए आप एक FTP अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपको डेवलपर को आप इन फ्यूचर में अपना सीपैनल नहीं देना चाहते, आप मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर रहे हो तो आप नहीं देना चाहोगे, तो उसके लिए FTP अकाउंट की ज़रूरत रहती है, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूँ इसमें FTP अकाउंट कितने हैं,
सिर्फ एक है, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो फिर वो हमारे अल्टीमेट पैक के अंदर है। चलिए आगे चलते हैं। तो मैं सीधे क्लिक करूँगा ऐड डोमेन के ऊपर, मैं FTP अकाउंट अभी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्लिक करता हूँ ऐड डोमेन के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर डोमेन जो है वो ऐड कर दिया, एक डिफरेंट डोमेन ऐड कर दिया। गो बैक जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डोमेन जो है वो ऐड हो चुका है, a1quality.ml, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले हमें जो करना है वो ये करना है, मैं सबसे पहले यहाँ जाऊँगा होम पर, यानी कि अपने सी पैनल में वापस जाऊँगा और मैं जाऊँगा PHP के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी PHP मेमोरी चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं सीधे क्लिक करूँगा मल्टी PHP एडिटर के ऊपर, ये मैंने क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेलेक्ट अ लोकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों डोमेन अब, ठीक है, एक a1quality.ml और एक a1india.ml। तो अभी मैं पहले आपको a1india दिखा देता हूँ, जिस पर हमारी वेबसाइट ऑलरेडी चल रही है। तो आप देखेंगे इस पर कौन सा PHP वर्जन ऐड है। इसके अलावा आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी डिटेल्स, मैंने यहाँ पर 256 सेट की हुई है, हमारे पास कितनी है अप्रॉक्स 1 GB, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी सेम मैं क्या करूँगा, वापस जाऊँगा और यहाँ मैं देखिए a1quality.ml और यहाँ पर मैं जो है इसको चेंज कर दूँगा। वैसे जो सेट है बाय डिफ़ॉल्ट वो 196 MB है, ये स्टैंडर्ड में आती है, आप चाहें तो इस पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको भी आप 256 कर सकते हैं, 256, ठीक है। और ये एंट्रीज भी आप चेंज कर सकते हैं एज योर विश, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ, चलिए ये मैं कर देता हूँ, ठीक है, और इसे भी बढ़ा देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो हमने चेंज कर दिया, सक्सेसफुली चेंज हो गया। PHP अगर चेंज करना चाहते हैं तो कहाँ से होगा, वापस जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है मल्टी PHP मैनेजर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं PHP, ये देखिए, आप देखिए दोनों पर सेम सेट है। अब मान लीजिए मुझे PHP a1quality.ml पर डिफरेंट सेट करना है, तो मैं यहाँ से इसको डिफरेंट सेट कर सकता हूँ। कैसे, देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और मैं इस पर करूँगा 7.1 अप्लाई। तो आप देख सकते हैं जो PHP है हमने डिफरेंट सेट कर दिया। अभी आप देखिए यहाँ a1india.ml पर 7.2 है और a1quality.ml पर 7.1 है। तो डिफरेंट PHP भी हम सेट कर सकते हैं और PHP मेमोरी भी हम सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमें PHP जो है वो मैनेज करना है। याद रखिएगा, अगर आपने एक ही डोमेन पर ज़्यादा PHP दिया हुआ, मान लीजिए आपने 512 दिया हुआ है, तो आपको उसको डिवाइड करना है। या इसी तरीके से अगर आपने 3 वेबसाइट होस्ट की हुई हैं तो उसको आपको 3 के हिसाब से डिवाइड करना है और पूरा 1 GB जो है वो यूज़ नहीं करना, ठीक है। पूरा 1 GB आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि आपको अनदर थिंग्स के लिए भी वेब थोड़ी मेमोरी छोड़नी पड़ेगी, तो आपको पूरी 1 GB यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। 200-200 भी कर सकते हैं एज योर विश, आप वो भी कर सकते हैं। 128 पर बहुत अच्छी चलती है वेबसाइट, ठीक है दोस्तों। तो अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली जो है वो PHP चेंज कर दिया। अभी अगर हम वापस जाएंगे मल्टी PHP एडिटर के ऊपर a1quality.ml, तो आप देखेंगे PHP वर्जन चेंज है, ठीक है। इसके अलावा जो हमने सेट किया था वही है, सेटिंग हमारी सेम रहती है, वर्जन हमने चेंज भले ही कर दिया लेकिन हमने मैनुअली जो सेटिंग सेट कर दी हैं वही रहेंगी, ठीक है। चलिए अभी एक काम करते हैं, वापस जाते हैं, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अभी एक काम करेंगे, वापस जाएंगे और मैं पहले सबसे पहले ये देख लेता हूँ कि क्या हमारे इस पर SSL इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा SSL TLS स्टेटस के ऊपर, तो आप देखेंगे a1quality.ml के ऊपर ऑटोमेटिकली SSL जो है वो आ चुका है, ठीक है। अगर 1%, वैसे तो जब जो भी हमसे लेते हैं होस्टिंग, हम उनको SSL इंस्टॉल करके ही देते हैं। अगर 1% SSL नहीं आ रहा, कोई इशू है, तो जस्ट इस पर क्लिक करिए और रन ऑटो SSL कर दीजिए, सेट हो जाएगा, ठीक है। SSL कम्प्लीटली फ्री है।
तो SSL हमारा इंस्टॉल्ड है। अब चलिए जल्दी से मैं वेबसाइट इंस्टॉल कर देता हूँ इस स्पेसिफिक डोमेन के लिए। ठीक है, मेरा यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल है, यहाँ पर मैं ओपन कार्ट करूँगा। तो कैसे करेंगे, तो हम सीधे चलेंगे सॉफ्टाक्लूज एप्स इंस्टॉलर के अंदर, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, और हम यहाँ जाएंगे ई कॉमर्स के अंदर, यहाँ पर होगा ओपन कार्ट, ओपन कार्ट। ठीक है, इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे अभी ये इंस्टॉल नहीं है। इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डोमेन चूज करना है। आप देखेंगे यहाँ पर सब डोमेन भी आ रहा है, मैं चाहूँ तो सब डोमेन पर भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे किस पर करना है, a1quality.ml के ऊपर ओपन कार्ट इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से डोमेन चूज कर लूँगा, ये मैंने डोमेन चूज कर लिया। यहाँ से मैं चूज करूँगा https://www, ठीक है, क्योंकि सिक्योर्ड है, आप देखेंगे एक्सेप्ट हो गया। यहाँ से मैं इसको हटा दूँगा, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, और बाकी आपको पता ही है, यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, और आपको इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, चलिए मैं इसको कर देता हूँ। तो आप देखेंगे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अभी हम वापस आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वेबसाइट है ओपन कार्ट की, वो आ गई, फ्रंट एंड आ गया। इसके अलावा यहाँ से आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा एडमिन, आप यहाँ से एडमिन एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने एक ही अपने अकाउंट से, हमने अपने एक ही cPanel अकाउंट से, अपने एक ही होस्टिंग अकाउंट से दो डिफरेंट वेबसाइट जो है वो होस्ट कर दी। ठीक है, और हमने जो मेमोरी है वो भी PHP मेमोरी डिवाइड कर दी, तो परफॉर्मेंस में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हमारी जो दोनों वेबसाइट हैं वो परफेक्टली चल रही हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैशे क्लीन करके, ये है a1india.ml जो आप देख सकते हैं प्रॉपरली चल रही है, ये वर्डप्रेस पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये है हमारी ओपन कार्ट, ठीक है, ये देखिए ये भी एकदम परफेक्टली चल रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसका चलिए आपको डैशबोर्ड भी लॉगिन करके दिखा देता हूँ। लॉगिन, तो आप देख सकते हैं डैशबोर्ड में मैं लॉगिन हो चुका हूँ, मैं इसको नेवर कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप इस तरीके से मल्टीपल वेबसाइट एक ही अकाउंट से होस्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। परफॉर्मेंस में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारी जो होस्टिंग है वो अल्टीमेट होस्टिंग है, भले ही शेयर्ड है। लोग शेयर्ड होस्टिंग को ख़राब समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका सर्वर बहुत अच्छा है तो आपको शेयर्ड होस्टिंग में भी कोई परेशानी नहीं आएगी, वेबसाइट एकदम बढ़िया चलेगी, और स्टार्टअप के लिए बहुत ही सही रहती है शेयर्ड होस्टिंग। ठीक है, आप अगर एकदम से जाएंगे डेडिकेटेड में, क्लाउड में, तो आपका मे बी बजट उतना ना हो और आप फंस जाएंगे। अगर आपको कोई सजेस्ट कर रहा है कि आप सीधे उसमें जाइए, तो मैं कहूँगा अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं और आपका बजट नहीं है, तो आप बिल्कुल भी डेडिकेटेड सर्वर पर नहीं जाइए, क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, और शायद आप उसको अफोर्ड ना कर पाएँ। होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा, आपकी नॉलेज जो है वो अपग्रेड होती रहेगी। ठीक है, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आपके लिए स्पेशली मैं वीडियो बना दूँगा। ठीक है, और अगर क्वेरी नहीं होगी तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।